are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बिटडाओ के मेंटल कोर ने वेब 3 फंड के लिए $200 मिलियन का प्रपोजल दिया। हुआवी क्लाउड और टेंसेंट क्लाउड ने वेब 3 नेक्सस की घोषणा की। यूक्रेन वॉर के ईयर में रशिया से अधिक क्रिप्टो उठाता एनालिसिस का खुलासा करता है। ट्रेजर अब अपनी सिलिकॉन चिप सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। लिक्विड स्टेकिंग के डिफाई लेंडिंग को दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो सेक्टर के रूप में बदल दिया। इंडोनेशिया में क्रिप्टो गेटवे अल्केमी पेस को लाइसेंस। लीडो फाइनेंस ने 150,000 से अधिक ETH स्टेकिंग लगाने के बाद स्टेकिंग रेट लिमिट को एक्टिव किया। एग्जीक्यूटेड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में $2 बिलियन के साथ इंस्टीट्यूशनल स्पाइप इन्वेस्टर। 2022 में फिनटेक का डोमिनेशन सिक्योर और A16Z इन्वेस्टमेंट्स पर रहा। व्हेल 630 मिलियन टोकन्स को 3 घंटे में ट्रांसफर करती है क्योंकि XRP में गिरावट का रिस्क है। मेजन हेनेसी ने वेब 3 प्लेटफॉर्म हेनेसी के लॉन्च की घोषणा की। लेंडहा प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइट $3.85 मिलियन को टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर करते हुए देखे गए। 26 फरवरी का बिटडाओ के गवर्नेंस फोरम पर मेंटल कोर द्वारा अर्ली स्टेजेस के वेब 3 स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड $200 मिलियन का फंड बनाने का सबमिट प्रपोजल किया गया था। इकोसिस्टम फंड का ऑब्जेक्टिव डेवलपर्स और डैप्स के बीच मेंटल के नेटवर्क को अपनाने को बढ़ावा देना है। हुआवी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने मेटावर्स और वेब 3.0 लाइंस के लॉन्च की घोषणा की, जिसमें पार्टनर्स के पहले बैच ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस डीप ब्रेन चेन पॉलीगन और मॉर्फियस लैब शामिल है। एलिप्टिक की एक रिपोर्ट ने कहा कि यूक्रेन में बिटर स्ट्रगल में बोथ साइड्स अपने मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज का सपोर्ट करने के लिए क्रिप्टो एसेट्स और टेक्नोलॉजी पर रिलायंस कर रहे हैं। ब्लॉकचेन फॉरेंसिस कंपनी के अनुसार टारगेट नेशन ने इनवैलिडिंग फोर्स की तुलना में अधिक डिजिटल एसेट्स डोनेशंस को अट्रैक्ट किया है। बिटकॉइन मैगजीन को भेजी गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार कंपनी ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट रिज्म मॉडल टी के लिए अपनी की कंपोनेंट्स ऑफ सेल चिप रैपर के मैन्युफैक्चर को फैसिलेट करके इसे हासिल किया। न्यू चिप केजिंग डिवाइस प्रोटेक्शन में सुधार करता है और काफी छोटा करता है बड़े मेजर्स पर प्रोडक्शन के लिए। लिक्विड स्टेकिंग जो यूजर्स को लॉक किए गए फंड की लिक्विडिटी को बनाए रखते हुए ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्रिप्टोकरेंसी को लॉक करने के लिए अवॉइड अर्न करने की परमिशन देता है, अब डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडिट देने और क्रेडिट लेने से बड़ा है। 27 फरवरी को खबर की घोषणा करते हुए एल्केमी पे ने नोट किया कि बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने एल्केमी पे और बरखा डिजिटल के प्लेटफॉर्म BDPay को कंबाइंड फॉर्म से लाइसेंस जारी किया, जिससे फर्म्स को बेटर पेमेंट मेथड्स की पेशकश करने और एसोसिएटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने में सक्सेसफुल बनाया है। बहामास और दुबई में लोकेटेड अल्फा ब्लू ओशियन ने एक नई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म ABO डिजिटल के लॉन्च की घोषणा की है, जो डिजिटल एसेट स्पेस में अर्ली स्टेज और एडवांस डेवलपमेंट वाली कंपनीज को अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी।